कुमार साहब कहते हैं कि वही फिर मुझे याद आने लगे हैं, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। शायद आप लोग सोच रहे थे कि जो शोरा यहाँ पर मौजूद है हम उन्हें भूल रहे हैं। हम भूल नहीं रहे थे, बल्कि आपकी मोहब्बतों के इम्तिहान ले रहे थे कि आप उन्हें कितना याद कर रहे हैं। हम तमाम लोग चाहते हैं कि अंजुम रहबर साहिबा को एक नहीं बल्कि दो बार में सुने, किश्तों में। तो पहले मैं अंजुम रहबर साहिबा से आऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की फरमाइश है कि अंजुम रहबर साहिबा को सुना जाए। उसके बाद फिर आपकी जो फरमाइश होगी उनको पेश करेंगे। मैं उनको बुलाता हूँ कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। सारे मंजर बदल गए होंगे। मंजर कहाँ है? मंजर से मैं एक गुजारिश करना चाहूंगी, जब भी ऐसा फंक्शन करें तो माइक का इंतजाम अलग से करें। ये भाषण वाले माइक है, वो हम भाषण नहीं देते, हम शायरी सुनाते हैं, तो बड़ी दिक्कत आ रही है। सारे मंजर बदल गए होंगे, आप हद से निकल गए होंगे, आग इतनी कहाँ थी फूलों में, हाथ शबनम से जल गए। वाह वाह क्या बात है, हाथ शबनम से जल गए होंगे, बहुत बहुत। हाथ शबनम से जल गए होंगे। अभी इन दिनों एक गीत मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया, तो साहब बहुत टोल किया गया। वो कुछ लोगों ने बहुत मुझे बुरा भला कहा, भला तो कहने वाले बहुत कम थे। मैं चाहती हूँ कि आज इस महफिल में वो गीत सुना दूं, और आरिफ मसूद भाई बैठे हैं, फैसला कर लेंगे अंजुम बाजी ने कहा क्या गलत कह दिया। मैं तो दिग्विजय सिंह साहब के सामने, बल्कि आलोक संजर के सामने सुनाना चाहती थी, लेकिन मंजर ने मुझे मौका ही नहीं दिया। अर्ज करती हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं क्या पढ़ रही थी कि हाथ शबनम से जल गए होंगे। चार मिसरे और सुनाती हूँ। खोल कर चाहतों का दरवाजा, राह तक ना भी बंद कर देगा, मेरे पर्दे से लौट आवर ना, दिल धड़कना भी बंद कर देगा। अब देखो आज मुशायरा उशारा नहीं करना चाहती मैं, और सीधे सीधे गजल के चंद शेर सुना देती हूँ। अच्छा चलिए वो ही पढ़ देती हूँ मैं आज। हाँ सुना? अच्छा ठीक है, चंद शेर एक दो मतला। और आजकल जो हालात हैं, दो साल से हम किस हालात में जिंदगी जी रहे हैं, मतला आप सबके लिए। दिल अकेला है अरमान कम है, सुना। दिल अकेला है अरमान कम है, दिल अकेला है अरमान कम है, इन दिनों घर में मेहमान कम है। सर सर तालियां वालियां बजाए तो माइक की तकलीफ भी खत्म हो जाएगी मेरे। दिल अकेला है अरमान कम है, दिल अकेला है मान कम है, इन दिनों घर में मेहमान कम है। और आरिफ मसूद साहेब मेरे छोटे भाई, इसलिए हम परेशान कम है। भोपाल वालों सुन लो, मुशायरों में नहीं कभी सुनाती मैं। इसलिए हम परेशान कम है, हम पे लोगों के एहसान कम है,
हम पे लोगों के एहसान कम है। अब सुनो शेर, इसमें चोरी का खतरा नहीं है, इसमें चोरी का खतरा नहीं है, इस हवेली में दरबान कम है, इस हवेली में दरबान कम है, दरबान कम है। और मैं भूल रही हूँ, जाने क्या होने वाला है अंजुम, जाने क्या होने, जाने क्या होने वाला है अंजुम, आज कल हम परेशान कम है, आज कल हम परेशान कम है। हाँ, एक शेर याद आ गया, आप सबको नज करती हूँ। मजा चला गया ना, वहां वो लोग होते तो सुनाती। जंग करने को दुनिया पड़ी है, सुनो, जंग करने जैसा कि आपने तकरीर की थी, जंग करने को दुनिया पड़ी थी, प्यार करने को मैदान कम है, प्यार करने को मैदान कम है, जंग करने को दुनिया, जंग करने को दुनिया पड़ी है, प्यार करने को मैदान कम है, आज कल घर में मेहमान, बोले सब, इसलिए हम परेशान कम है। अब वो गीत सुना देती हूँ जिसके लिए मैंने जिक्र किया। अब तो मंजर कहाँ है, बहुत है ना, माइक जरा सा थोड़ा सा, मैं वरना सुनाती हूँ आपकी अपनी हूँ। अब तो मैं भोपाल में ही रह रही हूँ 17 साल से, तो जब भी चाहो मोहब्बत से बुला लो हमको, है ना। अर्ज करती हूँ, जीना है दुश्वार यहाँ पर, मरना है आसान। अब देखो मैंने क्या गलत कहा, जीना है दुश्वार यहाँ पर, मरना है आसान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, जीना है दुश्वार यहाँ पर, मरना है आसान, यह है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, जीना है दुश्वार यहाँ पर, कितनी बार पढ़ो ताली भी नहीं बजेगी क्या, जीना है दुश्वार यहाँ, ताली नहीं बजाएंगे तो एक मरना है आसान। एक हालात ऐसे भी आए थे, मैं सब कुछ नहीं बताऊंगी लेकिन बन पढ़ती हूँ, भाषाएं भी हुई सियासी गुंडों का हथियार, हिंदी हिंदुओं की जबान है, उर्दू मुसलमानों की, बेवकूफ ये भूल जाते हैं कि उर्दू तो मोहब्बतों की जबान है, भाषाएं भी हुई सियासी गुंडों का हथियार, तुलसी मीर कबीर की कीमत 2 पैसे में 4, तुलसी मीर कबीर की कीमत 2 पैसे में 4, फुटपाथों पर भटक रहे हैं गालिब औस खान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। अब एक बंद ऐसे ही सुनना, प्रतीक है सिंबल्स, गूंगे बैठे सुने दादरा, बहने बैठे सुने दादरा, गूंगे गीत सुनाए, बहरे बैठे सुने दादरा, गूंगे गीत सुनाए, पागल सबकी करे पैरवी, अंधे चित्र बनाए, पागल सबकी करे पैरवी, अंधे चित्र बनाए, खास तौर से सुनना, पागल सबकी करे पैरवी, अंधे चित्र बनाए, और छोर उचक्कों का होता है रोज यहाँ सम्मान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान।
बहरे बैठे सुने दादुरा गूंगे गीत सुनाए, पागल की करे पैरवी अंधे चित्र बनाए, चोर उचक को कहाँ होता है रोज यहाँ सम्मान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। अब देखिए ये बंद भी सुनाती हूं, फूलों जैसे होठों पर भी जहर भरी नफरत है, तवज्जो चाहती हूँ, फूलों जैसे होठों पर भी जहर भरी नफरत है, बिजली के खंभों पर पीली और हरी नफरत है, बिजली के खंभों पर पीली और हरी नफरत है, लाल रंग में डूब गए हैं सब खादी के थान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। और देखिए अच्छा लग रहा है, हाँ अर्ज करती हूँ, ये और सुन लें आप, आज सुनाई देती हूँ, सबसे ऊंचे लोग हैं वो जो कुर्सी के बंदे हैं, सबसे ऊंचे लोग हैं वो जो कुर्सी के बंदे हैं, कैसा मंदिर कैसी मस्जिद सब इनके धंधे हैं, कैसा मंदिर कैसी मस्जिद सब इनके धंधे हैं, हाथों में ईमान है इनकी जेबों में भगवान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। और ये और बंसुर ने बतौर तोहफा, नोटों की पटरी पर चलती है वोटों की रेल, नोटों की पटरी पर, इसलिए तो डर लगता है, नोटों की पटरी, सियासत में आने को लोग कहते हैं लेकिन डरती हूँ, नोटों की पटरी पर चलती है वोटों की रेल, बीए पास मिले चपरासी मंत्री चौथी फेल, नोटों की पटरी पर चलती है वोटों की रेल, बीए पास मिले चपरासी मंत्री चौथी फेल, और दीवारों पर यहाँ लिखा है समय बड़ा बलवान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। दोस्तों आप लोगों ने तालियों में बड़ी कंजूसी की, यही वजह है कि अंजुम रहबर साहब इतनी जल्दी चले गई। आप लोगों से गुजारिश है, आप सुनना चाहते हैं तो जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें ताकि उस बार फिर आए अपना कलाम पेश करें। मैं जी एक गीत पेश करें, इस्तकबाल तो तालियों में कीजिए आप लोग। नहीं मैं तो अब गोपाल की हो गई हूँ तो सब कुछ मुझे मंजूर है, बस मोहब्बत एक कम मत करना है। अब मैं क्या सुनाऊं, अंजुम अच्छा हुआ ये भोपाल की हो गई वरना इन्हें 1,00,000 रुपए कौन देता है बताइए आप। तो आपसे गुजारिश है कि आप इन्हें रोज मुशायरों में बुलाइए ताकि ये पैसे मांगेंगे नहीं भोपाल वालों से, है ना। नहीं मंसर ये मेरे भाई हो और बस आपका कहना कैसे डाल सकती हूँ, अब रिश्ता भी का नहीं है, बहुत पुराना है बहन भाई का रिश्ता, पैसा नहीं होता रिश्तों के बीच में तो आप हैं, वो तो खतरनाक है, अब छोड़िए। अच्छा एक नई गजल सुना दूं मंजर, बिल्कुल नई गजल मैंने कहीं नहीं सुनाई, मैं चाहती हूँ कि यहाँ उस गजल का इम्तहान हो जाए, अगर आप लोग उसको पास कर देंगे तो मैं सारी दुनिया में जाके सुनाऊंगी। निकला साहब यहाँ बैठे हैं, सुना दूं क्या? माइक बहुत अजीब है लेकिन कोशिश करती हूँ। एक मोहब्बत
है दो कबीले हैं। सुनना मंजर। एक मोहब्बत है दो कबीले हैं, एक मोहब्बत है दो कबीले हैं, प्यार के रास्ते नुकीले हैं, प्यार के रास्ते नुकीले हैं। अब शेर सुने। पी लिया जाने किस नदी का जहर, पी लिया जाने किस नदी का जहर, क्यों समंदर के होठ नीले हैं, क्यों समंदर के। मैं ये मुशायरे में बहुत कम मौका मिलता है, वो 4 बजे पढ़ाते हैं तो शुक्रिया। पी लिया जाने किस, मतलब मैं फ्री में जब पढ़ती हूँ तो ऐसा पढ़ती हूँ, मतलब पी लिया जाने किस नदी का जहर, क्यों समंदर के होंठ नीले हैं, क्यों समंदर के होंठ नीले हैं। अब शेर सुनो, सुनिएगा। मैंने फूलों को छू के देखा है, मैंने फूलों को छू के देखा है, खार बेचार कम नुकीले हैं, खार बेचार कम नुकीले हैं। और ये शेर मोहतरम जफर सहबाई साहब मेरे असातिज़ा यहाँ बैठे हैं सारे लोग, आज मैं शेर को सुनाती हूँ। किसकी आंखों को देख कर परवीन बाजी आए, किसकी आंखों को देख कर आए, किसकी आंखों को देख कर आए, आईनों के लिबास गीले हैं, आईनों के लिबास गीले हैं। और मक्का अंजुम कुछ नहीं, ये बुलंदी कहाँ मयसर थी, ये बुलंदी कहाँ मयसर थी, ये बुलंदी कहाँ मयसर थी, कुछ दुआएं हैं कुछ वसीले हैं, कुछ दुआएं हैं कुछ वसीले हैं। और बच्चे बैठे हैं यहाँ, कुछ सुन लो एक तुम्हारे लिए। अंजुम सुशहर के हसी लड़के, अंजुम सुशहर के जवान लड़के, मौसम की तरह रंगीले हैं, मौसमों की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया।